इश रे 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 यहीं पे मिक्का सिंह की जो मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी। सर कैसा लगा आपको हमारा राइड? भाई साहब बहुत ज्यादा ही खतरनाक। इधर हम तो पहले सना 71 से पहले पाकिस्तान में था। हाँ सो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ त्याक्सी विलेज से पेंगोंग की ओर। और त्याक्सी विलेज आप लोगों ने नहीं देखा है, बहुत अच्छी विलेज है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। पाकिस्तान का जो स्कूल बनाया गया था वो स्कूल तक देखने मिला। अगर नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखना। अभी मैं जाता हूँ नीचे की ओर। अभी हम लोग सब अलग अलग हो गए जितने ग्रुप में थे। इनको जाना है ले और मुझे जाना है पेंगोंग और उन्हें भी जाना है पेंगोंग, लेकिन उनमें बहुत टाइम है अभी जाने में। उनके पास परमिट एक्स्ट्रा है, मेरे पास एक्स्ट्रा परमिट नहीं है एक्स्ट्रा दिन के लिए। तो मेरे को आज में जैसे भी पेंगोंग पहुंचना है तो उसके वजह से मैं निकल गया, नहीं तो अभी उनके साथ ही रुकता मिलता आराम से हम लोग इन्जॉय करते करते जाते हैं। लेकिन क्या करें, अब अपने त्रिवेदी जी भी जा रहे हैं। सो ये जो रिवर है ये है शिवोक रिवर, त्याक्षी वगैरह होते हुए पाकिस्तान को जाती है। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर गांव है, तुरतुक हो गया, त्याक्षी हो गया, ये सब गांव में आके आप एक दो दिन एक्स्ट्रा लेके आओ, ये सब गांव एक दो दिन एक्स्ट्रा लेके आके आप अच्छा से घूमो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी हम लोग निकलते हैं पेंगोंग की ओर। मैं ब्रेकफास्ट में बस खजूर खाया था, उसका एनर्जी खत्म हो चुका है। इतना पैदल चलाऊँ कि एनर्जी खत्म हो गया है। तो अभी अपने को कुछ खाना होगा तो सोच रहा हूँ डिस्किट या फिर हुंडर में देखते हैं कुछ खाते हैं। जो भी बोलो भाई लोग, यहाँ से यहाँ पे ना रोड बहुत अच्छे हैं। मतलब ये कलसार तक तो मुझे रोड एक नंबर नहीं मिलने वाला है। कलसार से नॉर्थ पुल्लू तक रोड खराब मिलेगा, 25 किलोमीटर का पैच है। लेकिन मैं कलसार तो जाऊँगा ही नहीं, मैं नॉर्थ पुल्लू तो जाऊंगा ही नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। मैं उधर ही से होके हुए आया था तो मैं, लेकिन अभी इधर से इधर कट जाऊंगा पेंगोंग की ओर। यहाँ से ले 198 किलोमीटर। रोड देख रहे हो कितना एक नंबर है भाई साहब, मस्त रोड है, बहुत ज़्यादा मज़े के रोड है। और ये नीचे में है शिवोक रिवर्स, ये क्रॉस करने के लिए ये बना गया है ब्रिज, जबरदस्त ब्रिज है लेकिन खतरनाक दिखता है, लेकिन कुछ है नहीं। मतलब सपोर्टिव है नीचे से लेकिन ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चलो जबरदस्त, नहीं ये टूटने वाला नहीं है, आवाज़ ऐसा करता है कि जैसे टूट ही जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। इश रे 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 इश हे हे हे, बहुत भारी भारी नुकसान हो गया रे भाई। लगता नहीं है किसी को कुछ हुआ है, अच्छा है किसी को कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी एक दूसरे में ऐसे टकराई है। बाप रे बाप। सो गाइस अभी मैं हूँ पच्चेतांग बोल के एक जगह है और यहाँ पे देख लो ये अंकल का ये रेस्टोरेंट है छोटा सा। हेलो कर दीजिए अंकल, कोई आता है यहाँ से गुजरता है तो आप यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट वगैरह लंच डिनर सब यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ से तुरतुक जा रहे हो या फिर तुरतुक से आ रहे हो तो ये बीच में ही पड़ने वाला है, तो आप यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में अभी मैं मंगाया हूँ पराठा, आलू के पराठे, और यहाँ पे है क्या है चटनी और टमाटो सॉस। तो यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट भी हो जाएगा। सो फार सो वेरी गुड, मजा आ गया। भाई साहब बहुत ज्यादा ही खतरनाक। ओ भाई ओ बाप रे बाप। चला जा भाई तू पहले। हाँ ओ भाई साहब खतरनाक है, पता है ये नहीं टूटेगा लेकिन डर तो लगता है ना भाई। ट्रक वाले को तो भाई सल्यूट है, ऐसी जगहों में ऐसे चला रहे हैं मजा का। ये आगे भी ट्रक पीछे भी ट्रक, टेंशन ही टेंशन है मेरा। चलो टेंशन ख़त्म। एक्चुअली कभी भी माउंटेन वाले हिल साइड में ना आप ट्रकों के आगे रहना ना पीछे रहना ना बीच में रहना, मतलब आगे एकदम आगे निकल जाना, एकदम ट्रक के ठीक आगे भी मत रहना, समझ रहे हो। तो ये छोटा सा एक टिप था मेरा, मैं कभी भी ट्रक के बीच में ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकता हूँ, जैसे मौका मिलता है निकल जाता हूँ क्योंकि सेफ नहीं है। अच्छा देख रहे हो लाइन कैसी लिखी है, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। भाई अभी बर्दाश्त ही कर रहा हूँ, दम नहीं है क्योंकि रोड बहुत छोटे हैं, लेकिन जैसे मुझे को मिल जाएंगे रोड ना मैं दम दिखा देता, जैसे अभी मिल चुके हैं। ले भाई दम देख ले। ओ एम जी 8 किलोमीटर स्कारू से फिर हाँ हुंडर से फिर डिस्ट्रिक्ट से उसके बाद कालसार से मैं कटूंगा पेंगोंग लेक के लिए। चलो चलो चलो।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं हुंडर डिस्किट है 4 किलोमीटर। मुझे यहाँ से डिस्किट मोनेस्ट्री भी दिख रही है लेकिन आप लोगों को पता है नहीं दिखेगी, बहुत दूर है वो। और ये आप लोग देखो, अगर आप हुंडर या डिस्किट में आते हो ना, अगर ये सैंड ड्यून्स वगैरह दिख जाए तो समझ जाना आप हुंडर में आ चुके हो। सैंड ड्यून्स हुंडर का पहचान है, देख लो बहुत प्यारी लग रही है सैंड ड्यून्स, गजब की लग रही है यार। चलो निकलता हूँ, रुक नहीं सकता क्योंकि आज पेंगोंग निकलना है अपने को। लो जी हम डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री तक तो आ गए, ये डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री का जाने वाला गेट है, ठीक है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री जा सकते हो बिंदास होते हुए। अभी हम इधर से निकल रहे हैं खालसार होते हुए, खालसार है यहाँ से 21 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ से हम लोग लेक पेंगोंग के लिए कट जाएंगे और एक जगह खारदुंगला होते हुए आप ले जा सकते हो। ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा मोहल्ला है, गाँव एरिया है, ये देख लो। अभी देखो हम लोग को पूरा यहाँ से वैसे घूम के हुए वो जो आपको सड़क दिख रही है वहाँ तक अपने को जाने का है। अभी वहाँ पे ATV राइड्स भी चल रही है, चलो देखते हैं चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, रेट सही रहा तो चला लेंगे, देखते हैं चलाने का मन होता है कि नहीं ATV राइड्स। बहुत मज़ा आ रहा है, अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा लगा, नॉन स्टॉप आया हूँ, बस एक जगह रुका था जो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका था, वो तो आप लोगों ने देखा, उसके बाद कहीं रुका ही नहीं हो, बस चलाए जा रहा हूँ चलाए जा रहा हूँ चलाए जा रहा हूँ। और माउंटेन में तो आप लोगों को मालूम ही है 50, 40, 50, 60, कभी कभी 80, 70, 80 चला ले रहा हूँ कभी कभार, नहीं तो 40, 50, 40, 50 ही चला रहा हूँ, तो उसके वजह से समय भी लग रही है, नहीं तो समय नहीं लगना चाहिए था। वैसे 200-250 किलोमीटर समय ज़्यादा थोड़ी लगेगा, लेकिन माउंटेन की वजह से बहुत ज़्यादा लग रहा है, डबल तिरगुना चौगुना समय लग रहा है। होप करता हूँ कि आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे रेट कितना है? 106। ओके 750 का हो गया। यहाँ पे आप किधर से आ रहे हो? इधर से आ रहे हो ना? इधर से आ रहे हो? इधर से आ रहे हो? इधर चले जाओ, तुरतुक लगेंगे 1.5-2 घंटे लगेंगे। अब लोग हमसे पूछते हैं तो हम तो अच्छी बातें बताते हैं, भाई साहब आपको अब जानी तो आपको है, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम बता देते हैं। तुरतुक सुमूर पेनामिक, पेनामिक जाऊं कि नहीं जाऊं यही सोच रहा हूं, फिर पेनामिक जाके मतलब नहीं बनता, बहुत दूर हो जाएगा अपना, छोड़ो पेनामिक अगले साल कभी देखूंगा जुले। सो ये अभी हम लोग आ चुके हैं नुब्रा वैली। सो गाइस अभी हम लोग चलाने वाले हैं, हम लोग यानी मैं पहली बार चलाने वाला हूँ ATV राइड्स। ये जनाब क्या है? जनाब आपका नाम बताओ। मेरा नाम शिवरतन है। शिवरतन, ये कौन सी जगह है? ये टीमोर है। टीमोर, तो आप यहाँ से अगर आ रहे हो स्टार्टिंग में, ये सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है, सबसे फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे भी आप राइड करने वाले हैं, मिल्खा सिंह की जो शूटिंग हुई है मूवी की, ओके यहीं पे हुई है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गए हीरो। हाँ हाँ हाँ, उनके मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई है। अच्छा अच्छा, तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं, स्टार्ट है अपनी बाइक की, अपनी 2 चक्का इधर रहने दो, अभी 4 चक्का चलाने वाले हैं। और एक्चुअली यहाँ पे मैं इनसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आगे आप जाओगे तो आगे में तो ऑपरेटर चलाएगा, यहाँ पे हम लोग खुद ही चलाने मिल जाएगा। आप लोग इतने दूर से आते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे आके, तो आप लोग की एडवेंचर एक्सप्लोर, आप लोग को थोड़ा मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, बात सही है। ओके ओके सर, बता दो इसका सिस्टम। देखिए सर, जैसे आप स्कूटी बाइक या बुलेट चलाते वक्त अपनी बॉडी को मूवमेंट करते हैं, हाँ, तो आपने अपनी बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, अपने पैर जो है फुटवेल के बाहर बिल्कुल भी नहीं रखने। ओके, आपका बैक ब्रेक है। ओके, फ्रंट ब्रेक है। ओके, आपका एक्सीलेटर है। ओके, ये एक्सीलेटर, जितना आप मुड़ेंगे गाड़ी आपकी उतनी मुड़े। ओके, ये सारे, ये फिट किया हुआ है, इसको आपने कुछ नहीं करना है, खाली एक्सीलेटर। अच्छा, ऑटोमेटिक है सब? ऑटोमेटिक है। ओके, अगर बंद हो गई तो? अगर देखो बंद हो गई, आपकी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई। ओके, आपने इसको ब्रेक को पकड़ना है और ओके, चलो थैंक यू एक बार। ओ भाई ओ भाई साहब, पहली बार चला रहा हूं मैं, बस गिरू नहीं मैं, मजे तो आ रहे हैं। ओके 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 ओके, चल भाई हाथ दुख गए यार। मजे आ रहे हैं, बस कैमरा बंद ना हो जाए क्योंकि बैटरी नहीं है। ये है मेरे हाथ दुख रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो बता रहे थे यहीं पे मिक्का सिंह की जो मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी, मूवी का नाम तो पूछा नहीं, चलो पूछ के बताऊंगा।
ओ हमें मैं पता है ब्रेक लगाया ही नहीं था अभी तक, अभी ब्रेक जाके दबाया। ओ भैंस की आंख, क्या स्लाइड कर रहा है। अरे यार कोई चाहिए था वीडियोस बनाने के लिए सामने से। फर्स्ट टाइम हूं ना मैं, पहली बार चला रहा हूँ। बताओ गाइस कैसा लग रहा है चला रहा हूँ मैं एटीवी। इतने के इन्होंने मुझसे 500 रुपीस लिए, तो मैं बता दे रहा हूँ अगर आप बाइकर हो तो आपसे 500 रुपये में हो जाएगा, लेकिन अगर आप टैक्सी टूर ये सब में आते हो तो 1000 लेते हैं ये बता रहे थे। तो एक बार मेरा नाम लेना, देखो अगर कुछ डिस्काउंट मिलता है तो। अगर आप बाइकर भी हो, अगर आपको 1000 बताते हैं ताकि आप लोग मेरा नाम लो ताकि थोड़ा सा सस्ते में हो जाए। पूरा ऑफ रोड। सर कैसा लगा आपको हमारा राइड? आपका राइड बहुत मजा आया। आपका क्या कहना है सर आने वाले टूरिस्ट के लिए? मैं तो यही बोलूंगा अगर आपको आना है तो उधर मत जाना, इधर ही कर लेना, क्योंकि सेल्फ ड्राइव है, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्टर मिलेगा, वो खुद चलाएगा, वो खुद ही चलाएगा, जो वही तो बेकार है, मतलब खुद चलाने में जो मजे है ना। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे एटीवी राइड्स और इन्होंने मुझे चाय पिलाया, चाय ऑफर किया, मतलब मैं ये भी बंगाल से ही है, कहाँ से? मालदा से? नहीं मैं जम्मू से हूँ। अच्छा जम्मू से, मालदा में घूमने आया थी। अच्छा मालदा घूमने आए थे, तो सिलीगुड़ी वगैरह ये सब जानते हैं, तो इन्होंने चाय ऑफर किया है तो अभी चाय पीता हूँ। उसके बाद हम आपको सॉरी मांगना चाहते हैं क्योंकि अभी चाय हमारे पास इतने छल्ले थे वो हमें घर पर रहेगी, क्योंकि जो भी हमारे पास यूट्यूबर या राइडर जो भी कोई अच्छा क्लाइंट हमारे पास आता है उसको यहाँ से अपनी तरफ से गिफ्ट करते हैं। दून वैली एडवेंचर क्लब के नाम से हमारे पास छल्ले बने हुए, बोर्ड लगा दो एक बोर्ड है बस, शाम तक हमारा बोर्ड। तो आपको आप जब तक आओगे आपको यहाँ पे बोर्ड भी देखने मिल जाएगा। क्या नाम बताएं? दून वैली एडवेंचर क्लब के नाम से होगा। तो ये भैया से जरूर मिलना और नाम बताना, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दोगे पक्का अगर नाम बताएंगे तो। मेरा नाम शिवरतन है। मेरा नाम बता के अगर कोई बोला कि हाँ मैं ये चैनल से देख के आया हूँ तो कोई डिस्काउंट? पक्का सर हाथ दोगे ही, तब डिस्काउंट भी आपको मिल ही जाएगा। तो चाय पीता हूँ फिर निकलता हूँ। ये एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अगर ये एपिसोड आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हमारे किसी नए एपिसोड में। टिल देन राइट सेफ, दिस इज बीवी ब्लॉग साइनिंग ऑफ। जय हिंद जय भारत फ्रॉम नुब्रा वैली। चलो अब यहाँ से दूसरा वीडियो हो जाएगा आपका नुब्रा वैली टू पेंगोंग। बाय बाय।